चेन्नई मेट्रो इंडिया का चौथा सबसे बड़ा मेट्रो सिस्टम है, 54 किलोमीटर लंबा। साउथ इंडिया में दूसरे नंबर पर आता है बैंगलोर मेट्रो के बाद। इसमें दो लाइन अभी ऑपरेशनल हैं, ब्लू और ग्रीन लाइन। 20,000 करोड़ रुपए लगे इसे बनाने में और आज 1.7 लाख पैसेंजर्स हर रोज इसका इस्तेमाल करते हैं। नियर फ्यूचर में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है पूरे नेटवर्क में, जब 3 नई लाइन्स खुलेंगी 119 किलोमीटर लंबी। इनकी कंस्ट्रक्शन चल रही है 63,000 करोड़ रुपए की एस्टिमेटेड कॉस्ट से और बनने के बाद ये इंडिया के सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क्स में से एक हो जाएगा। चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल होने के साथ एक इकोनॉमिक पावर हाउस भी है रीजन का। कई मेजर इंडस्ट्रीज लोकेटेड हैं इधर, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर। इसके अलावा कोरोमंडल कोस्ट पर होने की वजह से दो मेन पोर्ट्स भी लोकेटेड हैं इधर, जो ट्रेड के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। आज चेन्नई की जीडीपी 7 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इन सब इंडस्ट्रीज और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की वजह से कई माइग्रेंट्स भी आए हैं सिटी में, तमिलनाडु और देश के दूसरे रीजन से। पिछले 20 सालों में चेन्नई की पॉपुलेशन दुगनी हो गई है और अर्बन एरिया भी सिटी के बाहर तक एक्सपैंड कर चुका है। आज ग्रेटर चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया की पॉपुलेशन 1.1 करोड़ से भी ज्यादा है। सिटी के स्प्रेड आउट होने से और प्राइवेट व्हीकल्स के वाइड स्प्रेड अडॉप्शन से धीरे धीरे व्हीकल नंबर बढ़ रहा है हर साल 20% से। टू व्हीलर्स तो और स्पीड से बढ़ रहे हैं 70% से भी ज्यादा। इसी के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट से पूरी की जाने वाली ट्रिप्स काफी कम हुई है। 1992 में 60% ऑफ टोटल ट्रिप से 2008 में 40% से भी कम ट्रिप्स। आइडियली ये नंबर 50% से ज्यादा होना चाहिए डेंस अर्बन एरियाज में, अदरवाइज ट्रैफिक कंजेशन काफी बढ़ जाता है। इसका सॉल्यूशन यही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाना, जो कन्वीनियंस और कंफर्ट में प्राइवेट व्हीकल के साथ कम्पीट कर सके। इसलिए 1995 में चेन्नई ने अपना मास ट्रांजिट सिस्टम लॉन्च किया, जिसमें 19 किलोमीटर का सबर्बन रेलवे रूट बनाया गया मोस्टली एलिवेटेड ट्रैक्स पर। ये वन ऑफ अ काइंड सिस्टम है इंडिया में, जहां कम्यूटर रेल को मेट्रो की तरह ऑपरेट किया जाता है कुछ हद तक। मगर अर्ली 2000s में दिल्ली मेट्रो की सक्सेस के बाद चेन्नई में भी मॉडर्न मेट्रो सिस्टम बनाने के प्लान्स बनने लगे। डीएमआरसी से डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाई गई और 2007 में इसको अप्रूवल भी मिल गया। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाई चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड और 2009 में जापान बैंकिंग कॉर्पोरेशन से लोन की डील साइन होते ही फेज वन की कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गई। पहला स्ट्रेच खुला जून 2015 में ग्रीन लाइन का। ये 9.3 किलोमीटर लंबा पार्ट था, कोयम्बेडू से आलांडोर के बीच 7 स्टेशन थे इसमें। सितंबर 2016 में एक नई ब्लू लाइन खुली चेन्नई एयरपोर्ट से लिटिल माउंट तक 7.7 किलोमीटर के साथ। इसमें 6 नए स्टेशन खुले, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी लिंक किया गया। उसी साल ग्रीन लाइन को भी एक्सटेंड किया गया 1.2 किलोमीटर से सेंट थॉमस माउंट स्टेशन तक, एक नया स्टेशन बना इधर। मई 2017 में ग्रीन लाइन को फिर से एक्सटेंड किया 6.2 किलोमीटर से नेहरू पार्क तक। इसमें 7 नए स्टेशन खुले। इसके अगले साल मई 2018 में दोनों लाइन्स के एक्सटेंशन खुले। ग्रीन लाइन को चेन्नई सेंट्रल तक एक्सटेंड किया 2.6 किलोमीटर और 2 नए स्टेशन के साथ। चेन्नई सेंट्रल में रेलवे स्टेशन से भी कनेक्ट किया गया। और ब्लू लाइन को एक्सटेंड किया AGDMS तक 3.4 किलोमीटर से। इसमें 4 नए स्टेशन थे। फिर फरवरी 2019 में ब्लू लाइन एक्सटेंड हुई वाशरमैन पेट तक 9 किलोमीटर से। इसमें 7 नए स्टेशन बने। चेन्नई सेंट्रल एक मेजर मल्टी मॉडल हब बन गया रेलवे स्टेशन, मेट्रो की ग्रीन और ब्लू लाइन्स और बस स्टॉप्स के साथ। इसका फाइनल स्ट्रेच खुला फरवरी 2021 में, जहां ब्लू लाइन को विमको नगर डिपो तक एक्सटेंड किया गया 8.4 किलोमीटर और 9 स्टेशन से। ये है पूरा करंट ऑपरेशनल नेटवर्क, 54.7 किलोमीटर और 42 स्टेशन। इनमें से 21 स्टेशन एलिवेटेड है और बाकी 21 अंडरग्राउंड। आज एक इंटर कॉरिडोर लाइन भी चलती है डायरेक्टली रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट तक। इसमें आलंडूर तक ग्रीन लाइन वाला स्ट्रेच यूज होता है और एयरपोर्ट तक ब्लू लाइन वाला। इसको ऐसा इसलिए किया गया ताकि पैसेंजर्स डायरेक्टली ये रूट कवर कर सके बिना इंटरचेंज करे। फर्स्ट ऑफ अ काइंड मेट्रो रूट है ऐसा इंडिया में। आलंडूर स्टेशन में ये इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि दोनों रूट्स को आपस में कनेक्ट किया गया है इन दो रैंप्स की मदद से। ये एक मेजर मल्टी लेवल स्टेशन है जिसमें 4 लेवल्स हैं। ग्राउंड में एंट्री एग्जिट, फर्स्ट में मेजनीन, सेकंड में ब्लू लाइन के प्लेटफॉर्म्स और थर्ड में ग्रीन लाइन के प्लेटफॉर्म्स। चेन्नई मेट्रो का रोलिंग स्टॉक सिमिलर है दिल्ली मेट्रो से, मगर दूसरी कंपनी ने इसे सप्लाई किया है एल्स्टम। इनकी मैक्सिमम स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर तक होती है और 1200 से ज्यादा पैसेंजर्स को कैरी कर सकती है एक बार में। 4 डब्बों की ट्रेन इस्तेमाल की गई है इसमें 100 मीटर लंबी। टोटल 520 ट्रेन सेट्स यूज में है। पहला स्ट्रेच खुलने के बाद से अब तक 2 करोड़ से ज्यादा किलोमीटर और 11 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर्स को भी कैरी कर चुकी हैं ये ट्रेन्स। हर रोज 1.7 लाख पैसेंजर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। ट्रैवल टाइम और ट्रैफिक कंजेशन कम करने के साथ मेट्रो ने बेहतर कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड करवाई है सिटी के कई एरियाज में। ज्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी अराइज हुई हैं इन कॉरिडोर्स के आसपास। दूसरी सिटीज के लिए एक बेंचमार्क सेट करने के बाद अब चेन्नई मेट्रो में बड़ा एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। फेज 2 अंडर कंस्ट्रक्शन है जिसमें 3 नई लाइन्स बनाई जा रही हैं। उनमें से पहली होगी पर्पल लाइन। ये माधवरम से सिपकॉट आईटी पार्क तक जाएगी 45.8 किलोमीटर के साथ। इसमें 47 स्टेशन बनेंगे। बीच में ग्रीन और ब्लू लाइन से भी लिंक होगी केलपक्कम और 1000 लाइट स्टेशन पर। ज्यादातर रूट अंडरग्राउंड होगा जिसमें 28 स्टेशन होंगे और बाकी 19 स्टेशन एलिवेटेड। दूसरी लाइन होगी ऑरेंज लाइन लाइट हाउस से पुंटामली बस स्टैंड तक 26.1 किलोमीटर और 27 स्टेशन होंगे। इसमें ग्रीन, ब्लू और पर्पल लाइन से भी कनेक्ट होगी वाडापलानी, नंदनम और तिरुम
मैया लाइन में। ये रूट मोस्टली एलिवेटेड होगा 18 स्टेशन के साथ और बाकी 9 स्टेशन अंडरग्राउंड। तीसरी लाइन होगी रेड लाइन, ये भी माधवरम से शुरू होगी पर्पल लाइन के साथ और उसी के सोलिंगाना लूज स्टेशन पर खत्म मगर थोड़ा घूमते हुए जाएगी। 47 किलोमीटर लंबाई के साथ इसमें 48 स्टेशन होंगे और बीच में सारी लाइन से कनेक्ट होते हुए जाएगी। ग्रीन लाइन से तिरुमंगलम, CMBT, आलंडूर और सेंट थॉमस माउंट स्टेशन पर कनेक्ट होगी। आलंडूर में ब्लू लाइन से भी मिलेगी और 4 किलोमीटर के लिए ऑरेंज लाइन के साथ चलेगी इन 5 स्टेशन से कनेक्ट करते हुए। आलंडूर स्टेशन में एक और लेवल ऐड करने का प्लान है जो कि इसे 5 लेवल इंटरचेंज स्टेशन बना देगा ब्लू, ग्रीन और रेड लाइन्स के बीच। इसके अलावा चेन्नई MRTS से भी कनेक्ट किया जाएगा इसे। रेड लाइन का ज्यादातर रूट एलिवेटेड होगा। ये है पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन रूट, 119 किलोमीटर और 122 स्टेशन। 63,000 करोड़ रुपीज लगेंगे इसे बनाने में, कुछ हायर एस्टिमेट्स तो इसे 1,00,000 करोड़ रुपए तक बता रहे हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी इसके लिए लोन प्रोवाइड कर रहे हैं और काम भी स्पीड से चल रहा है। टनल्स की कंस्ट्रक्शन के लिए टनल बोरिंग मशीन्स TBMs इस्तेमाल होते हैं और स्टेशन कट एंड कवर मेथड से। 2012 में 120 TBMs इस्तेमाल की जा रही थी, 80 जर्मनी से, 20 चाइना से और 10 USA और जापान से मंगवाई गई थी। एक TBM 85 से 90 मीटर लंबी और 850 टन भारी होती है जो हार्ड सर्फेसिस को आसानी से ड्रिल करके टनल बना सकती है। पूरे नेटवर्क में स्टैंडर्ड गेज ट्रैक्स इस्तेमाल किए गए हैं, 4 फीट 8.5 इंच वाइड और 25 किलो वोल्ट AC करंट यूज होता है ओवरहेड वायर्स की मदद से। फेज 2 में हर रोज 800,000 पैसेंजर्स ट्रैवल करेंगे एस्टिमेट्स के हिसाब से, अभी से 4 गुना ज्यादा। 25% डेली ट्रिप्स मेट्रो में शिफ्ट होने के आसार हैं। इस फिगर को और इंप्रूव करने के लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी में कुछ अपग्रेड्स करने पड़ेंगे और जहां हो सके मल्टी मॉडल ऑप्शंस बढ़ाने पड़ेंगे दूसरे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट TOD के भी प्लान्स हैं जिसमें कॉरिडोर के आसपास हाई डेंसिटी मिक्स यूज डेवलपमेंट की जाएगी जो कि बहुत ही बढ़िया आइडिया है। पर्पल और रेड लाइन के बीच एक सर्कुलर रूट भी स्टार्ट किया जा सकता है फ्यूचर में, ऐसे प्रपोजल्स रखे गए हैं। मेट्रो के अलावा बात करें तो चेन्नई रिसेंटली कनेक्टेड है साउथ इंडिया के सबसे बड़े रेलवे हब्स में से एक होने के साथ इधर की सबर्बन रेलवे भी वेल डेवलप्ड है। इसमें 4 ऑपरेशनल लाइन्स हैं टोटल 1,174 किलोमीटर नेटवर्क लेंथ के साथ। काफी रूट इंटरसिटी ट्रेन्स के साथ शेयर करती है ये लाइन्स और इसमें से सिर्फ 509 किलोमीटर ही डबल ट्रैक्ड हैं। ये थर्ड बिजिएस्ट सबर्बन रेलवे सिस्टम है इंडिया में, मुंबई और कोलकाता के बाद 2,500,000 पैसेंजर्स हर रोज इसका इस्तेमाल करते हैं। इंडियन रेलवे की सदर्न रेलवे इसे ऑपरेट करती है और 300 से ज्यादा स्टेशन मौजूद है इसमें। मेन इंटरचेंज चेन्नई सेंट्रल और चेन्नई बीच स्टेशन है। इसमें हर लाइन की लोकल और एक्सप्रेस ट्रेन्स भी चलती हैं। लोकल ट्रेन्स सारे स्टेशन पर रुकती है और एक्सप्रेस ट्रेन्स सिर्फ कुछ मेन स्टेशन पर। पहली लाइन है नॉर्थ लाइन चेन्नई सेंट्रल से सुलुरपेटा तक, दूसरी साउथ लाइन जाती है चेन्नई बीच से सिंकलपट्टा तक, तीसरी वेस्ट लाइन है चेन्नई सेंट्रल से अराकोनम के बीच और चौथी लाइन है MRTS चेन्नई बीच से वेलाचेरी तक। 19.3 किलोमीटर लंबी मोस्टली एलिवेटेड लाइन है 18 स्टेशन के साथ। ये इंडिया की पहली एलिवेटेड रेलवे लाइन भी थी, 4 पार्ट्स में खुली थी 1995 से 2007 तक। अभी इसको और एक्सटेंड किया जा रहा है सेंट थॉमस माउंट स्टेशन तक जहां मेट्रो की ग्रीन और सबर्बन रेल की साउथ लाइन से मिलेगी और 2 स्टेशन अंडर कंस्ट्रक्शन रेड लाइन से भी कनेक्ट किए जाएंगे। MRTS काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें हैवी कम्यूटर ट्रेन चलती हैं, WAU4 इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स। एक ट्रेन 200 मीटर लंबी होती है 9 डब्बों के साथ, ट्रैक्स ब्रॉडगेज और 25 किलोवोल्ट AC करंट यूज होता है ओवरहेड वायर्स की मदद से। 4,25,000 लोग हर रोज MRTS का इस्तेमाल करते हैं। चेन्नई की रेल हिस्ट्री देखें तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। देश में सबसे पहली रेलवे लाइन इधर ही बनी थी 1837 में रेड हिल से चिंतादरीपेट तक। इसमें पैसेंजर नहीं जा सकते थे तब, मगर कार्गो और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता था। इसके अलावा चेन्नई सबर्बन रेल की शुरुआत 1931 में हुई जब फुली इलेक्ट्रिक ट्रेन चलने लगी। इस पर देश में सबसे पहले इलेक्ट्रिफाइड ट्रैक्स में से एक थे ये। देश की पहली इलेक्ट्रिक ट्रैम्स भी चेन्नई में इंट्रोड्यूस हुई थी 1895 में। इसको मैड्रास इलेक्ट्रिक ट्रैमवेज कंपनी ऑपरेट कर रही थी मोस्टली डॉक्स और इनलैंड एरियाज के बीच। 1921 में सिस्टम अपनी पीक पर था 24 किलोमीटर नेटवर्क और 97 व्हीकल्स के साथ। फिर दूसरे मोड से बढ़ते कॉम्पिटिशन और कम सर्विस क्वालिटी से ये पीछे होती चली गई। जहां इनकी स्पीड सिर्फ 7 किलोमीटर पर आर थी, वहीं बसेस और सबर्बन रेलवे ज्यादा स्पीड और एक्सटेंसिव नेटवर्क से बेहतर कनेक्टिविटी दे पा रहे थे पैसेंजर्स को। इससे राइडरशिप धीरे धीरे गिरती चली गई और कंपनी को भारी लॉसेस सफर करने पड़े। गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी बढ़ा दिए थे इसी दौरान, तो लॉसेस और बढ़ गए कंपनी के लिए। इसके अलावा वर्कर्स भी स्ट्राइक पर चले गए ज्यादा वेजेस की डिमांड करने के लिए। ये सब इश्यूज कंपाउंड होते चले गए और फाइनली कंपनी को डिसॉल्व होना पड़ा 1953 में। गवर्नमेंट ने 50 बसेस चलानी शुरू कर दी इन रूट्स पर और ट्रैक्स और ओवरहेड वायर्स को कई सालों के लिए ऐसे ही पड़े रहने दिया क्योंकि हटाने का खर्चा काफी ज्यादा पड़ रहा था उन्हें। फ्यूचर में जहां मेट्रो लाइंस नहीं बन सकती, वहां ट्रैम्स को रीइंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ट्रैम्स का अपना एक चार्म होता है और ये पैसेंजर्स को लास्ट माइल कनेक्टिविटी देने में भी मदद कर सकती है। कोलकाता मेट्रो की इंटरेस्टिंग हिस्ट्री जानने के लिए यहां क्लिक करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।